राम राम। मैं पंडित एसके मिश्र और हमारा आज का विषय है सेव पर, सेव के फल पर त्राटक साधना विधि के बारे में। हम अपने कुछ वीडियो में यह चर्चा कर रहे हैं प्रायः फलों पर त्राटक साधना की क्रिया के बारे में, और उसी के अंतर्गत आज हम सेव पर त्राटक साधना की विधि के बारे में चर्चा करेंगे। हमने कुछ मुख्य बातें हमेशा चर्चा की है त्राटक साधना के बारे में कि जब भी आप त्राटक साधना करें आपका पेट न पूरी तरह से खाली होना चाहिए न पूरी तरह से भरा होना चाहिए। जब भी आप त्राटक साधना करते हो तो आपके मन में कोई वैचारिक जगत की कोई भी बातें नहीं चलनी चाहिए। अगर आपके मन में कोई विचार आ रहे जा रहे हैं तो फोर्सली उनको स्टॉप कर दें। सेव पर त्राटक साधना करने के लिए यह आवश्यक है कि सेव फल को अपने घर लाएं और उसको किसी स्टूल या किसी मेज पर, किसी सफ़ेद पेपर पर या किसी भी कपड़े पर रख करके हम जिस आसन पर बैठते हों, जिस आसनी पर बैठेंगे उससे 2.5 से 3 फुट की दूरी पर रख करके टकटकी लगाकर उस पर हम देखें। जब भी त्राटक साधना करिए तो आप जहां बैठते हों, अगर किसी आसन पर बैठ रहे हों तो वह ऊर्जा का कुचालक होना चाहिए और आपकी रीढ़ की हड्डी, कमर की हड्डी, गर्दन की हड्डी, आपका मेरुदंड बिल्कुल सीधा होना चाहिए। त्राटक साधना के पहले प्राणायाम करना आवश्यक होता है। अगर आप प्राणायाम नहीं भी करेंगे तो भी त्राटक साधना हो जाती है, मगर फिर भी मेरे ख्याल से, मेरे राय से आपको प्राणायाम का थोड़ा बहुत अभ्यास कर लेना चाहिए। हम जब भी किसी फलों पर त्राटक साधना करते हैं या फल के पेड़ पर या फल के पेड़ के पत्तियों पर त्राटक साधना करते हैं या पेड़ पर ही त्राटक साधना करते हैं तो उस फल से संबंधित जितने भी गुण हैं, उस फल का जो स्वभाव होता है, जो गुण होता है, वह हमारे अंदर स्वतः ही अपने आप चला आता है और आवश्यकता पड़ने पर हम किसी की मदद भी कर सकते हैं। हम जो त्राटक साधना से अर्जित अपनी जो शक्ति को इकट्ठा किए हैं वह किसी को हम अपने दृष्टिपात द्वारा, अपने आँखों द्वारा उसको ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। हम विषय को बहुत लंबा नहीं करेंगे। हम लोग बचपन से एक मुहावरा सुनते आ रहे हैं कि एक सेव खाओ बीमारी को दूर भगाओ। यह आज भी उतना ही प्रचलित है जितना पहले। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि हमारे लिए सेव कितना महत्वपूर्ण है। सेव में रोग निरोधक क्षमता होता है। इसमें सबसे अधिक लौह तत्व होता है जो रक्त कणों को हमारे रक्त संग्रह एवं संचार में बढ़ाता है। कैल्शियम कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है। विटामिन बी सी आदि भी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। मिनरल भी बहुत उपयोगी तत्व के रूप में रहता है। हृदय रोग, रक्तचाप, मांसपेशियों के रोग, वायु प्रकोप, मूत्रदाह, मानसिक तनाव में सेव अत्यंत उपयोगी है। यह पाचन क्रिया को संचालित करने में सकारात्मक कार्य करता है। मस्तिष्क के लिए भी यह उपयोगी है। स्वादिष्ट मीठा होने पर भी डॉक्टर मधुमेह के रोगियों को, डायबिटीज के पेशेंट को एक सेव नित्य खाने का परामर्श देते हैं। मूत्र संस्थान को संयमित रखने के गुण होने के कारण यह किडनी और लीवर को भी ठीक रखता है। बल एवं वीर्यवर्धक होने के कारण बच्चों से लेकर बूढ़ों तक के लिए उपयोगी है। सेव पर त्राटक करने से सभी प्रकार के रोग दूर हो सकते हैं और रक्त संबंधित विकार तो दूर होते ही हैं। और जो लोग चक्रों के बारे में जानते हैं, कुंडलनी चक्रों के बारे में जानते हैं, जिसका मूलाधार चक्र बिगड़ा होता है, मूलाधार चक्र खराब होता है, तो सेव खाने से, लाल रंग के फल खाने से उनका मूलाधार चक्र भी सही हो जाता है। मूलाधार चक्र बिगड़ने से पीठ में दर्द, कमर में दर्द, हड्डियों की प्रॉब्लम, खून की प्रॉब्लम, टेंशन, तनाव, डिप्रेशन और व्यापार आदि ठीक से नहीं चलता है और कभी कभी आत्महत्या के विचार भी चले आते हैं। अतः सेव पर त्राटक साधना करने से हमारा मूलाधार चक्र स्ट्रांग हो जाता है। जब मूलाधार चक्र हमारा स्ट्रांग हो जाता है, मूलाधार चक्र के ठीक होने से हमारे आर्थिक, मानसिक और शारीरिक तीनों चीज़ों में बहुत ही लाभ होता है।
मैंने यहां सेव पर त्राटक साधना के बारे में भली भांति आपको बताया है, आशा है आप समझ गए होंगे। फिर भी अगर आपके मन में कोई संशय हो, कोई जिज्ञासा हो, कुछ और जानने की इच्छा हो, तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, व्हाट्सएप पे मैसेज करके या फोन कॉल के माध्यम से कॉल करके भी आप हमसे जान सकते हैं। और यदि आप अपने घर बैठे सम्मोहन साधना, आत्मसम्मोहन साधना, दिव्य ऊर्जा साधना, दिव्य वशीकरण साधना, टेलीपैथी, त्राटक, आभा मंडल दर्शन साधना, कामधेनु साधना व अन्य विद्याएं व अन्य साधनाएं सीखना हो तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और यदि आपके जीवन में किसी प्रकार का कोई आर्थिक, कोई मानसिक या कोई शारीरिक समस्या चल रही है जिसका आप समाधान नहीं करवा पा रहे हो, या समाधान करते करते थक गए हो, तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी भारतीय विद्याओं में, हमारी भारतीय साधनाओं में इतनी क्षमता है, इतनी दिव्यता है, इतनी भव्यता है कि वह विश्व की समस्त प्रकार की समस्याओं का समाधान पल भर में, क्षण भर में कर सकती है। और हमारे माध्यम से अपने घर बैठे आप अपने सभी प्रकार के समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। राम राम।